कैसी है माई YouTube फैमिली। ओहो, और ये क्या जी, ये आज बिरयानी की दो दो प्लेटें, यहाँ पे पुलाव भी है और बड़ा कुछ है जी, तो ये क्या चक्कर है? खाने वाला तो एक बैठा हुआ है, तो दूसरा कौन है? तो देखते हैं कि मेरे साथ दूसरा कौन है और ये चैलेंज मेरे साथ आज कौन करने वाला है। तो हमारे साथ है आज जिया। अपना इंट्रोडक्शन करवाए। जी मैं हूँ जिया और मिलती रहती हूँ आपको लाइव विद जिया में, जो कि मैं आजकल थोड़ी थोड़ी एब्सेंट हूँ, लेकिन आज बिया ने मुझे बुला लिया है अपने घर पे इस बिरयानी की इतनी बड़ी प्लेट के साथ चैलेंज करने के लिए। क्योंकि ये जेलस हो गया है, मैं थोड़ा वेट कर लिया ना, दैट्स व्हाई। नहीं नहीं, शी इज माय बेस्टी और आज बहुत ही प्यारे दिन पे मैं इनवाइटेड हूँ बिया के घर में, क्योंकि आज हमारी बेटी की बर्थडे है। हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, केक हमने केले केले खाया है और लेकिन हमने बचा के रखी थी कोई जगह के बिरयानी चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमें ये चैलेंज करना है। बिल्कुल जनाब, और मैं सुबह से भूखी हूँ और भूखा शेर जब आपको पता ही है भैया। हमने देखो, हमने आपस में कैमरा बंद किया हुआ ना? नहीं नहीं, कैमरा बंद नहीं यार, तुमने डिसाइड किया था कि तुम हार जाओगी फिर यार। चलो खैर। अच्छा चले जी, तो ऐसा करते हैं फ्रेंड्स कि आप अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कमेंट में आपने बताना है मुझे, आकर और बिया को आकर बताना है कि आप किसको जीता हुआ देखना चाहते हैं। ना मैं बिकने वाली हूँ, ना मैं झुकने वाली हूँ, ये बिरयानी की प्लेट मैं खाऊंगी। भैया इसमें तुमने कौन कौन से मसाले और कौन सी मिर्चें डाली हैं, खास पे स्वाद कौन सी मिर्चें डाली हैं जरा बता दें जी। एक्चुअली स्पाइसी है बहुत ज़्यादा खाना, ठीक है, क्योंकि हमने चैलेंज करना है, तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी सॉस वगैरह और ये भी डाली है। देखें आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, इनको कुछ चटनियाँ शायद नजर आ रही हो जी। दिखाओ, ये ग्रीन चटनी है, ग्रीन चटनी बहुत फुल है, इमली की चटनी भी है, इमली की चटनी है, आपको नजर आ रही होंगी, रंग बिरंगी प्लेट है और जनाब इसमें वैसे भी मिर्चें भरी हुई हैं और साथ में आपको मैं प्रूफ दिखाती हूँ, सब्ज मिर्चें भी साथ में मेरी प्लेट में नहीं है, मेरी प्लेट खाली है, आपकी इंशाल्लाह नीचे से निकलेगी, मैंने तो बाग ही रखी थी। चले जी, अब हम अपना चैलेंज स्टार्ट करने लगे हैं, तो देखते हैं फिर कौन जीतता है, कौन जीतेगा। तुम ही जीतोगी। चलो 1 2 3 चलो जी। मैंने पहले वाला पहले लिया। हाँ इससे नंबर नहीं मिलेंगे? नहीं, मुझे बात हुई, थोड़ा खाने की तारीफ भी कर देना। चैलेंज में तारीफ वाली ज्यादा वीडियो बनेगी। भाई आपको पता है बिया खाना बहुत अच्छा बनाती है और बिरयानी वाकई औसम है, लेकिन स्पाइसी है, आम जितना खाना हम खाते हैं उसे स्पाइसी है। मैंने जान के उसकी प्लेट के लिए रखी है। अल्लाह। ये होता है जी वेट की जेलसी, ना हमारे दरमियान प्रोफेशनल जेलसी और ना कुछ और। मैंने स्पेशल इसको इनवाइट किया कि तुमने कितना वेट कम कर लिया। चलो आगे आओ। ऐसा तो होता रहता है फिर आपको पता, बड़े बड़े शहरों में। जी जी बिल्कुल। चले जी कोई नहीं, 1-2 किलो बढ़ा लेते हैं हम। चलो आज ही आ जाए यार, फिर डाइटिंग कर लेना। खाना बहुत मज़े का, अभी तो मैं मज़े से खा रही हूँ, देखें कब मुझे कहाँ ये स्टॉप करती है, कहाँ ये हारती है। वैसे मैंने तो सुना था, खा रही हूँ मैं, तुम हरी मिर्च खा रही हो? खैर है ना। हैं जिया, मैंने सुना था कि तुम तो हारने वालों में से नहीं हो। नहीं हूँ, पर अब जिनसे प्यार किया जाता है उनके सामने हारा भी तो जाना है। चैलेंज है, प्लेट खत्म होनी चाहिए। यहाँ कोई प्यार शायद नहीं है अभी। अच्छा जी देख लें, जालिम ऐसे ही होती है आपकी बिया ना, मेरे ऐसे ही होता है ऐसे कामों में। मुझे पानी पीना अलाउ है नहीं है? हाँ हाँ पी सकते हैं। ओके ओके ओके। भाई चैलेंज का ये फायदा हो गया कि बिया के हाथ का खाना
खाने को मिल गया। वैसे हम मोस्टली जो है ना बाहर ही खाना खाते हैं जब हम मिलते हैं ना दोनों, तो हम बाहर खाना खाते हैं। हाँ वैसे ऐसे हो रहा है कि तकरीबन फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे खा रहे हैं ना साथ में घर में। हाँ बिल्कुल। चलिए आप इंशाल्लाह ऐसे सिलसिले हम जारी रखेंगे। अगर आपने कमेंट में हमें बताया कि क्या हमें ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए तो फिर हम बनाएंगे सोचेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम ऐसी वीडियोस और बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। और आपने कमेंट में जरूर बताना है दिया को भी और मुझे भी कि यहाँ आप किस तरह की वीडियोस में हम दोनों को देखना चाहते हैं। वैसे हम हर किस्म की बनाते हैं वीडियो ऐसी बात नहीं है, हर किस्म का एंटरटेन इंशाल्लाह लेके आते हैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहते हैं। क्या चैलेंजेस तो इंशाल्लाह आगे और करेंगे, अभी तो पिज्जा चैलेंज भी है। मतलब ना ये चाहती है कि मैं स्मार्ट ना रहूं। क्या हो गया थोड़ी देर के ना पानी पी लेते हैं। लेट्स टेक ब्रेक। ब्रेक ले सकते हैं चैलेंज में कि नहीं? अब मैं यहाँ तक भर गई हूँ। अच्छा जी हम लोग लगे हुए अपना काम अभी तक। मेरा पेट फटने वाला है अब। जालिम खाने पीने वाले चैलेंज नहीं रखने यार, आज की तारीख में खत्म हो जाए सीरियसली। अच्छा जी मैंने ना ट्रेडिशनल जो है ना चिकन कढ़ाई की एक बोटी भी डाली थी क्योंकि बहुत मजे की थी तो मैं जीत गई हूँ बिना मुकाबले के। मैं से आई थी बातें करने, उसने मुझे खाने पर लगा दिया। मैंने इसको चैलेंज पे लगा दिया, मैंने कहा आ जाओ अब हम ग्रीन टी का पूरा जग पियेंगे। अब जल्दी से ग्रीन टी बनाए, हमें वो चाहिए लेमन ग्रास प्लीज। यस वैसे ना बिया की ये साजिश थी कि मैं सिर्फ बिरयानी ही खाऊं और कुछ ना खाऊं। और बनाया इसने इतना कुछ, बस देख लो ऐसे किया इसने मेरे साथ। तुम हते ही आज चढ़ी हो इतने दिनों बाद, ये करना था क्या करूं मैं, तुम्हें पता ही है ना फ्रेंड्स एक्चुअली हम दोनों में प्यार बहुत है माशाल्लाह अल्लाह नजमत से बचाए, लेकिन हम रहते थोड़े से दूर हैं। डिस्टेंस मतलब दिल से दूर नहीं, हमारे घरों का डिस्टेंस जो है वो ज़रा दूर है, तो बस इस वजह से थोड़ी मुलाकातें हमारी ना, हम फिर ख़ास कोई इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर हमारी मुलाकात होती है। बिल्कुल। तो आज ये हत्थे चढ़ गई है और हमें ये लोग वैसे मारते हैं, खिला खिला के मारेगी मुझे। भाई दोस्त होते ही ऐसे हैं। हाँ ये तो है। नहीं, वो नहीं। मारते भी हैं तो प्यार से मारते हैं। बिल्कुल जी खिला खिला के। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पाइसी है तो इतना ज़्यादा स्पाइसी, बहुत टू मच स्पाइसी नहीं है क्योंकि हम पंजाबी हैं और हमें स्पाइसी खाना खाने की बहुत आदत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ना हमारे लिए इतना स्पाइस बर्दाश्त करना भी ओके है, ये बात है। हाँ और हम पंजाबियों को जो है ना मसालेदार चीज़ें ही पसंद हैं। बस और नहीं, मैंने हार मान ली है। अरे यार नहीं मैं मान लेती हूँ जिया, मैं मान लेती हूँ हार।
जीतने पे क्या मिलेगा फिर मैं जीतने के बारे में सोच सकती हूँ, वरना मैं हार चुकी हूँ। चल तू हार ले, तू हार जा, तू हार जा, हार जा। ये मोमबत्ती मेरी। तो जनाब फाइनली मैं हार चुकी हूँ। देखें जनाब मेरी प्लेट में अभी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। हाँ, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मुकाबला कोई बराबर बराबर टाई हो चुका है। हाँ ऐसे है बिल्कुल, कि आज का मुकाबला जो है वो बराबर रहा। यार कुछ पी ले। सॉरी नाजरीन, सॉरी। तो आज का जो हमारा चैलेंज है वो मेरे ख्याल से बराबर ही रहा है, कोई जीता हारा तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हम दोनों में एक्चुअली हम फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो हारेंगे तो इकट्ठे हारेंगे फ्रेंड्स, जीतेंगे तो इकट्ठे जीतेंगे चैलेंज इंशाल्लाह। तो बस अभी आप लोगों के सामने प्लेट्स, हार और जीत के लिए बिल्कुल भी ये चैलेंज नहीं था, बस एक एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट। और हम एक इकट्ठे वीडियो बनाना चाहते थे तो हमने कहा कि चले हमारे नॉट, मौका भी है, महल भी है, और क्या कहते हैं ना, रस्में दुनिया भी है, तो वो सब निभा ली जाए। खाना तो खाना ही था वैसे भी, तो आपसे मिलने का बहाना हो गया। इसी बहाने भी है कि घर में आई और आप सबसे भी मुलाकात होगी। और हाँ जी, सबसे पहले मैं जो है ना, सबसे पहले तो नहीं होगी, सबसे आखिरी बात हो जाएगी, मैं बिया को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी इनके 6K सब्सक्राइबर पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला इसको और बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए इसके कैरियर में, इसकी लाइफ में, इसके इसकी हर चीज में, जिस चीज की ख्वाहिश करे। एक्चुअली होता क्या है ना फ्रेंड्स, के कुछ लोगों की जिंदगी के कुछ टास्क होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी है हमने चैनल ऑलमोस्ट इकट्ठे स्टार्ट किया था, लेकिन यह है कि मेरी जिंदगी के चैलेंजेस थोड़े से डिफरेंट हैं, हज़ार है हर बंदे की जिंदगी के होते हैं। तो मैं क्योंकि जिंदगी में और चीज़ें भी कर रही हूँ, लेकिन इसने जितनी मेहनत की है चैनल पर उतनी मैं नहीं कर सकी, ऑनेस्टली मैं नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इसको खींच के ले आई हूँ दोबारा आज इंशाल्लाह। इसका ये जो आपका ये ब्लॉग आप देख रहे हैं जिया का भी, इसकी वीडियो पे भी इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छे कमेंट करने हैं, और इंशाल्लाह इनकरेज करना है इसको कि इसने और वीडियोस बनानी है। जी जी इंशाल्लाह, और इसके ब्लॉग्स आते रहेंगे और बिया के प्यार में इंशाल्लाह ताला मैंने ट्राई किया कि मैं अपने बिजी स्केड्यूल में से चैनल के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालूं, एटलीस्ट वीकली एक वीडियो बनाऊं। एक्चुअली मेरी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, बाकी और कोई इशू नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके लिए एक अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें आपसे मिलने का बहाना ज़रूर होना चाहिए आप, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही हमारे चैनल जो है वो चल रहे हैं। तो आप अपनी सपोर्ट हमें देते रहिए, अपनी मोहब्बतें हमें देते रहिए, और अपनी दुआओं में हमें याद रखें, ताकि जो है ना बस हम कामयाब रहें और आप लोगों के साथ रहें। जब कहते हैं कि औरतें जब मिलती हैं तो फिर बहुत बातें करती हैं, तो आज इसका मुजाहरा तो फिर हमने करना ऐसे ही ऐसे बिल्कुल आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा चैलेंज जो कम्प्लीट हो गया, और हमारी मुलाकात जो आप लोगों के सामने हो गई और आपके साथ शेयर भी कर ली। तो इसी तरह बस बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखा करें, और ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और आपके सामने लेके आए। तो बहुत सारी दुआओं में रुखसत करें जिया को भी और बिया को भी। सो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।